अच्छी लगी। आई थिंक बहुत टाइम के बाद नवाजुद्दीन जी को देखा हमने इतने इंटेंस किरदार में, और रितेश बत्रा ने इससे पहले लंच बॉक्स डायरेक्ट की थी तो उन्हीं लाइंस पे हमें लग रहा था कि बहुत अच्छी कोई मूवी लेके आएंगे, और एक बार फिर से वो बहुत ही अच्छी मूवी लेके आए। कोई रियल लाइफ स्टोरी चल रही है आपके आंखों के सामने, बहुत अच्छी, इट्स अ वेरी अनयूजुअल लव स्टोरी, तो केमिस्ट्री भी बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल बॉन्ड दिखाया दोनों के बारे में। म्यूजिक वगैरह ज़्यादा नहीं है इसकी, इसका कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, 3.5। मूवी काफ़ी अच्छी है और एक्टर्स को जाके देखनी चाहिए। सो केमिस्ट्री अच्छी थी, दोनों का काम बहुत अच्छा था, दोनों ने, नवाज सर ने और दोनों ने काम अच्छा किया, सानिया जी ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। तो आजकल जो चीज़ें चल रही रियलिस्टिक वो था और उसको देख के काफ़ी मज़ा आया। 5। मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत डिफरेंट थी, बॉलीवुड सिनेमा जैसे हम सोचते हैं गाने होंगे वैसा होगा, वैसा कुछ नहीं था, एकदम रियलिस्टिक मूवी थी और बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अच्छी मूवी थी। ये थोड़ा रियलिस्टिक मूवी थी, तो रियलिस्टिक मूवी जैसे हमारी लाइफ में चलता है ना डेली, कुछ गाने आने नहीं बजते, नॉर्मल लाइफ चलती है, ये वैसी मूवी थी। बस एक मिडिल क्लास क्या वैसा सोचता है, हम अगर हम कोई नीचे लोग को देखें, अगर हमें उनसे प्यार हो गया तो हमें सोसाइटी कैसे देखती है, ये इसमें एक बहुत अच्छा एक पॉइंट दिखाया था। मैम 5 out of 4। फोटोग्राफ इज़ वेरी अमेजिंग मूवी, आपको हमेशा देखनी चाहिए, बिकॉज इट गिव्स यू अ न्यू थिंग एंड आपको बहुत कुछ सीखने भी मिल सकता है, बहुत कुछ जानने मिल सकता है। आई एम ऑल्सो बींग एन एक्टर एंड आई एम जस्ट इन दिस लाइन, सो जब हम देखते हैं इट्स लाइक बहुत कुछ नया देखने मिलता है एंड बहुत कुछ सीखने भी मिलता है। एज यू सी रियलिज्म, नवाज इज़ गिविंग अ बेस्ट, लाइक आप उन्हें उनकी वेब सीरीज़ में देखो या उनकी मूवीज़ में देखो, ही इज़ गिविंग अ न्यू थिंग एंड ही इज़ ऑलवेज द बेस्ट, लाइक आई लाइक टू गिव इट अ 4। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए माया मूवी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।